दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। ये गाना साल 2000 के बेहतरीन गानों में था, जिसे आज भी लोग सुनना और गाना पसंद करते हैं। फिल्म कहो ना प्यार है से एक्टर ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में एंट्री की और ऑडियंस ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया। ऋतिक रोशन एक्टर राकेश रोशन के बेटे हैं, पर ऋतिक ने भी अपने सपने को पूरा करने में बहुत मेहनत की है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि हीरो का बेटा है तो हीरो ही बनेगा, पर ऋतिक ने फिल्मों में आने से पहले ऐसे बहुत से काम किए हैं जिसे आप सुन चौंक जाएंगे। ऋतिक का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ। इनका पूरा नाम ऋतिक राकेश नागराथ है और घर वाले प्यार से इन्हें डुगू कहकर बुलाते हैं। ऋतिक ने भले ही डेब्यू कहो ना प्यार है से किया हो, पर 1980 में बाल कलाकार के रूप में फिल्म आशा और भगवान दादा में नजर आए थे। बचपन में किसी को उम्मीद नहीं होगी कि ऋतिक आगे चलकर इतने बड़े स्टार बन जाएंगे। दरअसल बचपन में उन्हें हकलाने की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो बेहद शर्मीले थे। स्कूल के ओरल टेस्ट में अक्सर बहाना बनाकर नहीं जाते। तभी घर वालों ने उनकी इस बीमारी को दूर करने के लिए उन्हें ऐसे क्लासेस में भेजा गया, जहां से उनकी ये हकलाने की बीमारी दूर हुई। ऋतिक अपने पापा राकेश रोशन से बेहद करीब हैं। ऋतिक ने अपने पापा के साथ कुछ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है, जहां उन्होंने चाय बांटने से लेकर फर्श की सफाई तक की है। ऋतिक के दाहिने हाथ में दो अंगूठे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, और ऋतिक अक्सर उसे छिपाते नजर आते हैं, पर उन्हें ऋतिक बेहद लकी भी मानते हैं। ऋतिक की आज हजारों लड़कियां दीवानी हैं, पर ऋतिक एक्ट्रेस मधुबाला और परवीन बाबी के दीवाने थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ऋतिक रोशन को वैलेंटाइंस डे के मौके पर 30,000 शादी के प्रपोजल मिले थे। वेल, ऋतिक से ज्यादा लकी शायद ही कोई हो। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी ऋतिक के फैन हैं। ऋतिक की बेहतरीन फिल्मों में कहो ना प्यार है, फिजा, मिशन कश्मीर, यादें, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगे, कोई मिल गया, लक्ष्य, धूम 2, जोधा अकबर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्रिश 2, क्रिश 3, बैंग बैंग और मोहन जोदाड़ो जैसी बेहतरीन फिल्में हैं। ऋतिक का लुक इंटरनेशनल हीरो की तरह नजर आता है और इसी वजह से उनके एक्शन को ऑडियंस बेहद एंजॉय करती है। फिल्म क्रिश से राकेश रोशन ने पहले इंडियन सुपर हीरो को जन्म दिया। ऋतिक रोशन न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि एक बेहतरीन डांसर भी हैं। उन्होंने डांस के गॉड माइकल जैक्सन को उन्हीं के अंदाज में डांस कर श्रद्धांजलि भी दी। ऋतिक एक कम्प्लीट पैकेज है और इस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग काफी लंबी है। फिल्म कहो ना प्यार है के लिए ऋतिक को बेस्ट एक्टर के डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही फिल्म को 102 अवार्ड मिले, जिससे फिल्म को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। ऋतिक की फिल्मी लाइफ से बेहद अलग है इनकी रियल लाइफ। 12 साल के उम्र से ही ऋतिक सुजैन से प्यार करते थे, पर शर्मीले होने की वजह से कभी बोल नहीं पाए। ऋतिक ने सुजैन से साल 2000 में शादी की। शादी के 4 साल पहले से ही ऋतिक और सुजैन रिलेशनशिप में थे। दोनों के 2 बच्चे हरिहान और हरिदान हैं, पर इन दोनों के रिश्ते की अंत हुई साल 2013 में, जब दोनों ने आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला लिया। वहीं ऋतिक का नाम एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ भी जोड़ा गया। कंगना और ऋतिक के बीच के मेल काफी लीक भी हुए और दोनों के बीच कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई। इनका मामला कोर्ट तक पहुंच गया। वेल, फिलहाल मामला ठंडा पड़ गया है। ऋतिक इन दिनों एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ खूब नजर आ रहे हैं। दरअसल दोनों जल्द ही फिल्म काबिल में पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। फिल्म को प्रोड्यूस राकेश रोशन ने किया है और फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता है। ऋतिक अपने इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड है। फिल्म 25 जनवरी को शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म रईस के साथ रिलीज हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होती है। चलिए ऋतिक, हम आपको आपके आने वाले फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और आपके जन्मदिन पर आपको माया मूवी की तरफ से हैप्पी बर्थडे।